कानून के मुताबिक 18 साल की कम उम्र की लड़की के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाना कानूनन जुर्म है, बलात्कार कहलाता है। फिर वो लड़की भले ही उस व्यक्ति की बहता ही क्यों ना। चौकसी बलवंत राय भोगित, ये तुम्हारे बरसों से क्लाइंट्स थे, सारे छोड़ के चले गए, ये सब कब से चल रहा है आशिमा? जब से तुम अपने काम में कम और गांव में ज्यादा ध्यान देने लगे हो। अर्जुन, तुम जब अवेलेबल ही नहीं होगे तो बेचारे लोग कहां जाएंगे? इतना बड़ा नुकसान और ऐसे में तुम मेरा साथ छोड़ के जा रही आशिमा? यस ओके, भेजो उन्हें अंदर। जिंक मेटल्स के मिस्टर बलवंत राय हमसे मिलना चाह रहे हैं। सिट, तुमने उसके इस पे काम किया हुआ, बैठो। हेलो मिस्टर राय, प्लीज हैव अ सीट। क्या बकवास है ये मिस्टर अर्जुन? मिस्टर राय देखिए, आप इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप तो समझ सकते हैं कि ये सब थोड़ा बहुत होता ही रहता है। मैं आपको कई सालों से जानता हूं मिस्टर अर्जुन, आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली, मगर आपने इतने बड़े केस को एक ऐसे इनकॉम्पिटेंट के हाथों में सौंप कर मुझे पूरी तरह से बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी मिस्टर अर्जुन। मिस्टर राय प्लीज, वी आर रियली सॉरी, लेकिन प्लीज आप इस गलतफहमी में मत रहिए, आशिमा इस देश के सबसे काबिल वकीलों में से एक। मिस्टर अर्जुन, हो सकता है कि मैं कोई वकील ना हूं, लेकिन इस बात की परख करना कि कौन बेहतर वकील है और कौन नहीं, ये आप मुझे मत सिखाइए। यू डोंट बिलीव मी राइट? आप इन्हीं से पूछ लीजिए। उसे जितना हो सका मैंने किया। अरे क्या किया आपने? हमारा जो सबसे तगड़ा गवाह था उसकी सुनवाई नहीं करने दी इन्होंने कोर्ट। क्यों? क्योंकि इन्होंने विटनेस का नाम कोर्ट में दर्ज तो किया था, लेकिन सामने वाली पार्टी को बताना इन्होंने जरूरी नहीं समझा। आशिमा, वो एन मौके पे हमारे पास आया था, बस एक छोटा सा टेक्निकल लैप्स हो गया। और वो जो हमारी कंपनी की बैलेंस शीट आपने कोर्ट में जमा की थी, वो कौन सा लैप्स? सारे फिगर्स गलत थे उसमें, लाखों का फेर था। वो फिगर्स आपकी कंपनी ने ही दिया था। इम्पॉसिबल। अरे आप पूछिए इनसे, क्या कह रहे थे वकील साहब, क्या कह रहे थे जज साहब, बार बार इन्हें पूछिए इनसे। वो कह रहे थे कि आप मन से इस कोर्ट में हाजिर हैं या नहीं। आई एम टेलिंग यू मिस्टर अर्जुन, आई थिंक कि सामने वाली पार्टी से इन्होंने पैसे खाए। मिस्टर राय, आप अपनी लिमिट पे रहिए। हे, तू मुझे सिखाएगी? अरे तू अपनी औकात देख, तू अपनी औकात। मिस्टर राय प्लीज प्लीज, मैं आशिमा को अच्छी तरह जानता हूं, वो कोई भी केस जानबूझकर नहीं हार सकती। आप इन्हें अच्छी तरह जानते हैं? तब तो आप इन्हें बिल्कुल नहीं जानते मिस्टर राजू। ये औरत एक सरपिनी है और ये कब डसेगी ये कोई नहीं जानता है। अगर तुझमें थोड़ी सी भी शर्म है ना, तो अभी के अभी आशिमा से माफी मांग। बहुत बड़ा गुंडा है तू, गुंडागर्दी पे उतर आया है तो हम भी वकील हैं। अगर अपनी वकालत पे उतर आए ना, तो तुझे बर्बाद करके छोड़ेंगे। तू मुझे धमकी देगा? अरे बर्बाद तो मैं तुझे कर दूंगा। अब अगर इसके आगे तूने एक शब्द भी बोला ना, तो मैं तुझे धमकी नहीं, यहां से धक्के मार के बाहर निकालूंगा। मिस्टर अर्जुन, बलवंत राय नाम है, याद रखिएगा।
क्या विनोदी बहन, हमारी तपस्या भंग कर दी तुमने। देख नहीं रहे सवासन धारण किया हुआ था हमने? कहा बाबा जी, सब में जान डालने वाले को लोग चमत्कारी कहते हैं, आप हमें डांट रहे हैं। अरे ये तो बहन भाई की नोक झोंक है ऐसी, वरना होने वाले सरपंच को कोई डांट सकता है क्या? बाबा जी तनिक इधर आइए, इधर आइए। डांट क्यों रही हो? बोलो। देख रहे हैं हमारी छवि? हाँ गंदी लग रही हो, नहा के नहीं आई क्या? बाबा जी हमको कुछ नहीं हुआ है, प्रॉब्लम हमारी छवि पर है और इसका इलाज बहुत आसान है। कैसे? ऐसे। छवि साफ सुथरी हो गई, और छवि साफ सुथरी हो ना तभी पब्लिक वोट करती है। समझ गए बहन, एकदम समझ गए। हमारा आईना तो एकदम साफ हो गया, लेकिन ये पब्लिक का आईना कैसे साफ होगा? हमारी सार्वजनिक छवि पर एक ही प्रॉब्लम है, दिगंबर। बस उसको बलिदान देना होगा हमारे लिए। लेकिन दिगंबर हमारा अपना आदमी है बाबा जी, अब ऐसे टाइम में तो अपने ही काम आते हैं ना। सो तो है, करना क्या है? दो सिरे हैं हमारे हाथ में, सुधा क्लिनिक जहां पर गैर कानूनी तरीके से गर्भपात कराया जाता है और पैदा होने वाले बच्चों का लिंग जानने के लिए पैसा लिया जाता है, और दूसरा वो लोन कंपनी जहां पर गरीब लोगों को लोन देकर उनका घर बार जमीन सब कब्जा कर लिया जाता है। उन दोनों ही कंपनियों के हम आधे भागीदारी हैं बहन। बाबा जी वो तो पर्दे के पीछे, पेपर पर तो दिगंबर है। और उन पेपरों की कॉपी है हमारे पास। कॉपी नहीं, सबूत। तो करना क्या है ये बताओ। दिगंबर को पुलिस के हवाले करना होगा। सोचो बाबा जी, दिगंबर जेल में और सारा श्रेय आपको और मधोक अपनी जेब। क्या सोच है बहन आपकी, वाह। बाबा जी अब जल्द से जल्द ना इस प्लान पे अमल करना होगा। दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रताप वाणी, बुआ जी और मुन्ना की जुबानी। नमस्कार, मैं हूँ आपकी बुआ जी, आपकी सेवा में। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त मुन्ना, बुआ जी और आपकी सेवा में। और हाँ, एक बार फिर से हमारे साथ हाजिर हैं डॉक्टर स्नेहा, सत्य की अदालत के बारे में जानने के लिए। नमस्ते मुन्ना, ये बताओ कि शादी के लिए सही उम्र क्या होती है? शादी के लिए सही लड़कियों की 18 साल और लड़कों की 21 साल। बिल्कुल सही, लेकिन अगर किसी की शादी कम उम्र में कर दी जाए तब क्या होता है? तो क्या होता है मुझे नहीं पता, आओ देखते हैं सत्य की अदालत में। देखिए हाँ, तो आज की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट रानी 16 साल की एक मासूम बच्ची, इसके बावजूद उनके माता पिता ने उन्हें शादी के बंधन में जबरदस्ती बांध दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, रानी की शादी उसकी अपनी मर्जी से हुई है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन पर ऑब्जेक्शन, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, वक्त बदल रहा है। क्या बात है बताओ?
योर ऑनर, रानी कानूनन नाबालिग है। उसके हिसाब से कानून में उनकी मर्जी की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती, क्योंकि हमारे देश का कानून ये मानकर चलता है कि नाबालिग की उसकी अपनी मर्जी को परखने की कोई क्षमता नहीं। लेकिन रानी का पति हरविजय, उसका भी पूरा हक बनता है कि वो अपनी शादी को हर सूरत में संपन्न करे। पर विवाह तो संपन्न हो चुका है ना, फिर? सिर्फ शादी हुई है, संपन्न नहीं हुई है। मतलब? आठवां फेरा नहीं हुआ है। वकील साहब, मेरी शादी में भी सात ही फेरे हुए थे, ये आठवें फेरे का क्या चक्कर है? मैं बताती हूँ योर ऑनर, इनका कहना है कि रानी और उसके पति के बीच में अभी तक शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हुआ है, वो बाकी है, जिसे वकील साहब आठवां फेरा कह रहे हैं। अरे बाकी क्या है, ओवरड्यू हो चुका है। नहीं, आप ही बताइए, वो शादी क्या जिसकी सुहागरात न मनाई गई हो? योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त ये भूल रहे हैं कि अदालत कानून के मुताबिक 18 साल की कम उम्र की लड़की के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाना कानूनन जुर्म है, बलात्कार कहलाता है। फिर वो लड़की भले ही उस व्यक्ति की बहता ही क्यों। कोई पति अपनी पत्नी के साथ रेप यानी कि बलात्कार कैसे कर सकता है? क्या बकवास है ये, एकदम एक मिनट शांत। गुड, मुद्दा क्या है? मुद्दे कई हैं योर ऑनर। पहला ये कि नाबालिग लड़की की शादी करवाना कानूनन जुर्म है, क्योंकि वो बाल विवाह कहलाता है। दूसरा, उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करना हमारे कानून के हिसाब से बलात्कार कहलाता है। तीसरा, नाबालिग की रजामंदी हमारे कानून में कोई मायने ही नहीं रखती। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, अगर कानून का यही रवैया रहा तो हमारा समाज, हमारी परंपराएं, हमारी बिरादरी, हमारी मर्यादाएं सब दोषी कहलाएंगी। प्लीज नोट दिस योर ऑनर, यही दलीलें सती विरोध के खिलाफ भी दी जाती रही। एनफ, बहुत हो गया। रानी बिटिया, तुम ही बताओ तुम्हारी शादी कैसे हुई? मम्मी पापा ने कहा, मैंने मान ली। और ये शादी तुम्हारी अपनी मर्जी से हुई? बड़े साहब, मर्जी का तो सवाल ही नहीं उठता। स्कूल भी मैंने इसी तरह छोड़ा था, मम्मी पापा ने कहा, मैंने मान ली। और अब मेरे पति जो चाहते हैं वो बड़ी गंदी बात है, ऐसा मेरी सहेलियां कहती हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ऐसी गवाही मुद्दे को कंफ्यूज कर सकती है। फैसला अदालत करेगी, आप बैठिए, बोलिए बेटिया। शादी से पहले आशा दीदी ने मुझे समझाया था कि अगर मैं ना मानूं तो कोई मेरे से जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। मेरा तो ऐसा है, किसी भी चीज का अनुभव करने से पहले मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी। तुम किस चीज के बारे में जानना चाहती हो और क्या अनुभव करना चाहती हो? बड़े साहब, सबसे ये शब्द सुनती आ रही हूँ, मगर आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि बचपन क्या है, पर सब इसकी बातें करते हैं। बिटिया, तुम्हें यहाँ पे किसी से भी शर्माने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम बताओ तुम क्या जानना चाहती हो? बड़े साहब, मैं जानना चाहूंगी कि बचपन क्या होता है। मतलब? बड़े साहब, मुझ जैसी 9-10 साल की उम्र से ही घरवाली बनाने की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। घर का काम, सिलाई बुनाई, रसोई, बचपन क्या होता है ये तो मैंने जाना ही नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड मेनो, ये ट्रेनिंग काम वाली बाइयों की होती है, घर वाली लड़कियों की नहीं। नो योर ऑनर, किसी को अपनी सभ्यता अपने संस्कार सिखाने में क्या बुराई हो सकती है? एग्जैक्टली योर ऑनर, और उसी सभ्यता और संस्कार की आड़ में एक नासमझ नाबालिग को डायरेक्ट बच्ची से औरत बना देना कहां तक की अच्छी बात है? मोहतरमा मुद्दे को कंफ्यूज कर रही हैं योर ऑनर, रानी का विवाह गैर कानूनी नहीं है। और उसका शारीरिक संबंध से इनकार करना क्या गैर कानूनी है? योर ऑनर, कानून भी मानता है कि समाज के उसूल अपने आप में कानून होते हैं। समाज उसूलों पर नहीं योर ऑनर, प्रथा और परंपराओं पर चलते हैं। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि परंपराएं गलत भी साबित हुई।
बस है ना, ये लड़ाई कानून और परंपराओं के बीच की नहीं, ये लड़ाई एक नन्ही से जान के हक की है। देखिए, कानून मानता है कि विवाह एक पवित्र बंधन है, लेकिन अगर ये बंधन एक उम्र कैद का रूप धारण करने लगे तो वो चिंता का विषय। ऑब्जेक्शन। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट योर ऑनर, आप सुनवाई पूरी होने से पहले फैसले पर उतर रहे हैं। आई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये फैसला महज मुद्दों का नहीं बल्कि इस लड़की रानी की जिंदगी का है। अगर आज वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर होगी तो कल जाहिर सी बात है माँ बनेगी। योर ऑनर, अगर हमारे बच्चों के ही बच्चे होने लगे तो जाहिर सी बात है आने वाला हर नवजात शिशु कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन का शिकार होगा। ये सही नहीं है योर ऑनर। तथ्य ये है कि रानी की शादी हो चुकी है। हाँ हाँ, हो चुकी है योर ऑनर, मैंने कब मना किया, लेकिन कानूनी रूप से नहीं, परंपरागत। ये भी उतना ही सच है कि हर लड़की की शादी के बाद पढ़ाई छूट जाती या छुड़ा दी जाती। रानी, क्या तुम स्कूल जाती थी, मतलब जाती हो? 8वीं क्लास में थी मैं, फिर मम्मी पापा ने कहा अब तो शादी होने वाली है, पढ़ाई का क्या फायदा। उन्होंने कहा और तुमने मान लिया, आई अंडरस्टैंड। मगर बेटा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें तुम्हारी क्या इच्छा। बड़े साहब जी, मैं तो कॉलेज जाना चाहती थी, मगर मगर इतना तो मैं भी समझ लेती हूँ बड़े साहब जी, मुझ जैसी के लिए पढ़ाई वो सपना है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। योर ऑनर, मुझे भी रानी से हमदर्दी है, लेकिन अदालत जज्बात पर नहीं मुद्दे के तथ्य पर चलती है, और रानी का विवाह एक सच्चाई जिसे नकारा नहीं जा सकता। योर ऑनर, मैं कुछ कह सकता हूं? आप कौन? मैं रानी का ससुर। ओह, आप आइए, यहां पे आइए। योर ऑनर, मेरी भी एक बेटी है, रानी की ही उम्र की, और हम उसके लिए भी वर ढूंढने में लगे हुए थे। मतलब आज रानी की दशा देखकर मेरी आंखें खुल गई। ऐसे मुद्दों का फैसला अदालत में नहीं, हमारे घरों में और दिलों में तय होना चाहिए। दुरुस्त ख्याल है आपका, मगर आपका फैसला क्या है? अब रानी बिटिया वापस स्कूल जाएगी, वो जितना और जब तक चाहे पढ़ाई करे, 18 साल की होने तक ये अपने ही घर में रहेगी, उसके बाद ये अपनी और सिर्फ अपनी मर्जी से अगर हमारे घर में बहू बनकर आती है तो हम इसे खुशी खुशी स्वीकार करेंगे, ये मेरा वादा है योर ऑनर। देखा दोस्तों, कई बार इंसाफ की जीत के लिए कानून को भी जरा सी मात खानी पड़ती है। योर ऑनर, मैं रानी के ससुर जी को बधाई देना चाहती हूँ और थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ। काश कि हमारे देश के माता पिता अपनी बेटियों के लिए ऐसा सोचने लग जाए तो इस देश की बेटियां इस देश की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान देंगी। वकील साहब, आप कोई दलील पेश करना चाहेंगे? योर ऑनर, दलील तो मेरे पास कोई नहीं है, बस एक छोटा सा ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन? अब क्या ऑब्जेक्शन? एक सेल्फी हो जाए। आइए। Thank you.
आज हम एक समझदार ससुर से मिले जिसे हर बेटी के माता पिता को आदर्श मान लेना चाहिए। बचपन वो दौलत है जिसे हम जिंदगी भर के लिए समेट कर रखना चाहते हैं, दोस्तों के साथ बातों में, उदास पलों को हल्का करने में। आप ध्यान दें तो जानेंगे कि हमारी सबसे हसीन यादें ज्यादातर बचपन से ही जुड़ी होती हैं। तो क्या आप अपनी बेटी को ये दौलत नहीं देना चाहते? कम उम्र में बेटी का ब्याह करना उससे उसका बचपन छीनने के बराबर है। और अगर हमारी बच्चियां ही बच्चों को जन्म देंगी तो उनके शिशुओं की सेहत कैसी होगी? जब तक आपकी बेटी पढ़ना चाहे, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और शादी के लिए तैयार हो जाए, तब तक उसे अपने पास ही रखिए। विश्वास करिए, वो जिंदगी भर आपको मुस्कुरा कर याद करेगी। और देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सांसों में भर सकती।